हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा एंड आज की जो वीडियो है ना, ये है मेश टूल की। तो इसमें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ मेश टूल से। तो मेश टूल जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है इलस्ट्रेटर का। इनफैक्ट आप ये कह सकते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है। बट इसमें जो है, मैं आपको बहुत ही बेसिक तरीके से आपको मेश टूल से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, जिससे आपको ये पता चल सके कि आप मेश टूल को यूज़ किस तरीके से कर सकते हो। मेश टूल का यूज़ जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे आप कर सकते हो, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको बहुत ही कम में आपको समझाने की कोशिश की है। जब आप थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओगे सीखने में, तो हम बनाएंगे कुछ ऑसम सा मेश टूल का यूज़ करके। सो इस वीडियो में एक और चीज़ है, वो है टेक्स्ट को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी मैंने बताया है। सिंपली आप टेक्स्ट टूल लेते हो, टेक्स्ट लिखते हो और उसको जो है आप थोड़ा फैंसी बनाना चाहते हो, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाना चाहते हो। तो ये जो है, वीडियो को ध्यान से देखना, और इसमें ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वीडियो भी बहुत छोटी होने वाली है। आपसे एक कंप्लेन है मुझे कि आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हो। आपके लिए वीडियो बनाती हूँ मैं स्पेशली, इतना टाइम लगा कि 10 मिनट की वीडियो के लिए 5 से 6 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। और ये तो सिर्फ बनाने वाला जो प्रोसेस है और एडिटिंग वाला वो है, उसके बाद वीडियो को अपलोड करना भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो को ढंग से ऑप्टिमाइज करना, उसका थंबनेल बनाना, तो इन सब चीज़ों में बहुत टाइम लगता है और आप वीडियो को जो है पूरी देखते नहीं हो। तो इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए, तो एटलीस्ट आप वीडियो को पूरी तो देखा करो। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपको कुछ सिखाया और आपको वो चीज़ जो है आपने सीख लिया। सो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं फिर से यही कहूँगी कि वीडियो को पूरी देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। और कोई भी प्रॉब्लम हो इलस्ट्रेटर की, किसी भी चीज़ को आप सीखना चाहते हो, आप मुझे बताना, मैं कोशिश करूँगी कि उसको मैं इन चैप्टर्स में इंक्लूड कर पाऊँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको सिखाने वाली हूँ और बहुत सारी चीज़ें अभी आगे सीखनी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेटर को स्टार्ट करना है एंड उस पर ओपन करना है। आपको कोई सा भी न्यू पेज लेना है, और न्यू पेज लेने के बाद जो ऑब्जेक्ट आपको डिफाइन करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सर्कल का लोगो बनाना था तो मैंने सर्कल लिया है। ऐसे ही आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। उसके बाद उसके ऊपर आपको ए टूल यानी कि सिलेक्शन टूल जो है ना, वो लेना है। और उसके ऊपर जब आप प्लस को प्रेस करते हुए क्लिक करोगे तो नोट्स ऐड होंगे, और नोट्स को ऐड करने के बाद आप इस तरीके से उनको मूव कर सकते हो, और माइनस जब आप क्लिक करोगे तो नोट्स को माइनस कर सकते हो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, और अच्छे से समझना है तो आप पहले वीडियो देखिए, जो पिछली वीडियोज़ हैं। एंड उनको मूव कराने के बाद आपको क्या करना है कि जब आप सेटिस्फाई हो जाओ अपने जो भी आपको बनाना था उससे, तो आपको टेक्स्ट क्रिएट करना है। और टेक्स्ट जो भी फॉन्ट आप लेना चाहते हो ले लो, अपने मनपसंद का। उसमें थोड़ा बहुत जो आपको मॉडिफाई करना है, उसके लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद आपको करना है उसको एक्सपेंड। एक्सपेंड करने के बाद वो भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो टेक्स्ट नहीं रहेगा। हाँ, उसके बाद आप उस टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, यानी कोई और फॉन्ट नहीं ले सकते। तो अगर आपको लगता है आपको फॉन्ट लेना पड़ेगा दूसरा, आप डाउट में हो, तो आप उसका एक कॉपी ले लो, क्योंकि फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते एक्सपेंड करने के बाद। एक्सपेंड करने के बाद आप इसके नोट्स को इधर से उधर कर सकते हो, कहीं भी मूव करा सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है जिस भी शेप में आपको मेश टूल अप्लाई करना है, वहाँ पे मेश टूल अप्लाई करने के लिए जब आप मेश टूल पे क्लिक करके किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे, वहाँ कुछ इस तरीके के नोट्स बन जाएंगे। उन नोट्स पे जब आप क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, तो ऐसे कलर वाला बॉक्स खुलेगा, और आपको जो भी कलर चाहिए आप वो कलर पिक करोगे और इसमें वो फिल होता जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टी कलर या कोई भी कलर जो है वो आप इसमें फिल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर आपको टेक्स्ट का शेडो बनाना है, तो शेडो का ऑप्शन आगे और भी आएगा, इफेक्ट्स में ड्रॉप शेडो का ऑप्शन होगा, लेकिन अभी नॉर्मली शेडो क्रिएट करने के लिए हमने उसी टेक्स्ट का एक कॉपी लिया और नीचे वाली लेयर जो थी उसमें डार्क कलर फिल कर दिया, और उसके बाद उसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया, जिससे वो थोड़ा नेचुरल लुक देगा। फिर इस तरीके से क्रिएट करने के बाद हमने जो नीचे वाला शेप था उसको भी बना लिया। और लोगो बनाने के बाद आप अपने मनपसंद कोई सा भी टेक्स्ट
ले सकते हो, बट टेक्स्ट ऐसा लेना जो छोटे से छोटा लोगो प्रिंट हो, तो आपका टेक्स्ट जो है अच्छे तरीके से विजिबल हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक